अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की हमारी क्लास है जामियुल अदविया रिवीजन डे टू, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जामियुल अदविया बुक से ही, जिस जो कि हैं 21 पॉइंट से 45 पॉइंट्स तक जितने भी बुक्स और उनके राइटर्स दिए हुए हैं, यानी कि मशहूर किताबें और उनके मुसन्निफ रिलेटेड टू जामियुल अदविया। ठीक है, इसके अलावा हम अहम नुकात वाले चैप्टर से 21 पॉइंट टू 44 इम्पॉर्टेंट पॉइंट तक डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है? इफ पॉसिबल तो आप लोग जी, थैंक यू। चलिए, और आज हम जो भी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड क्विज़ भी रखेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में रखा था। ठीक है, और उसमें जो क्विज़ की वो है लिमिट्स है, वो 7 पार्टिसिपेंट्स ही हैं, क्योंकि वो पेड वर्ज़न नहीं है, इसीलिए सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट ही उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जो पहले करेगा वही ज्वाइन कर पाएगा उसको। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले इल्मुल अदविया की मशहूर किताबें और उनके मुसन्निफीन में हमने 20 तक डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हम 21 पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसमें कानून के तर्जुमे ही बयान किए जा रहे थे, यानी 20 में भी कानून का तर्जुमा, जो कुलियात कानून का तर्जुमा इंग्लिश वाला था, वो बताया गया था कि डॉक्टर ग्रूनर ने दिया है। इसी तरह से वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे ये जो यहाँ पर कुल कानून का तर्जुमा, जो कि उर्दू वाला तर्जुमा है, इसकी जो जिल्द अव्वल और जिल्द दोम, ठीक है, ये जिल्द अव्वल जिल्द दोम जो लिखी है वो अलामा कबीरुद्दीन ने लिखी है। ठीक है, इसके मुसन्निफ़ अलामा कबीरुद्दीन हैं। इसके अलावा कानून का तर्जुमा जो इंग्लिश वाली है, वो जो हमने देखा था ना डॉक्टर ग्रूनर, तो वो डॉक्टर ग्रूनर जो थी वो कुलियाते कानून का तर्जुमा था, ठीक है, इंग्लिश अंग्रेज़ी, और ये कानून का तर्जुमा है, जो कि ये हमारा हमदर्द पब्लिकेशन न्यू दिल्ली का है। ठीक है, इसके मुसन्निफ़ का नाम इस बुक में नहीं दिया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कानून का तर्जुमा लातीनी ज़बान में, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में, जो अल कानून, कानून किसकी बात चल रही है, अल कैनन ऑफ मेडिसिन की बात चल रही है, यानी कि अल कानून फित तिब की बात, जो कि इब्ने सीना की किताब है। ठीक है, तो उसके वो बहुत बड़ी अपने मशहूर किताब रही है, तो उसके काफ़ी सारे तर्जुमे यानी कि उसके ट्रांसलेशन किए गए हैं, जिसमें जो कि लातीनी ज़बान का भी तर्जुमा रखा गया है, जिसको जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना ने इसको जो है इसका तर्जुमा लिखा है लैटिन का। ठीक है, तो ये जो जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना है वो कौन है, वो एक इटालियन ट्रांसलेटर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस, जो कि अरबिक ज़्यादातर जी साइंटिफिक्स बुक को ट्रांसलेट किया करते थे अरबिक टू द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी तरह से अल कैनन ऑफ मेडिसिन को भी इन्होंने ही ट्रांसलेट किया और एक किताब लिखी कानून का तर्जुमा दैट इन द लैटिन लैंग्वेज, जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तोहफतुल मोमिनीन जो किताब है इल्मुल अदविया की, इसमें ये लिखी गई है हकीम सैयद मोहम्मद मोमिनीन ने। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर तोहफतुल मोमिनीन आ रहा है, यानी कि गिफ्ट ऑफ द मोमिनीन, और इनके ही नाम पर ये किताब का नाम भी रखा गया है। ठीक है, तो तोहफतुल मोमिनीन किसकी किताब हुई, हकीम सैयद मोहम्मद मोमिनीन की। फिर आ जाते हैं हम मुहीत आज़म किताब है हकीम आज़म ख़ान की। हकीम आज़म ख़ान हिंदुस्तान के बहुत मशहूर अतिबाओं में से एक है। ठीक है, और इनकी जो पैदाइश हुई है वो रामपुर में हुई है, इसीलिए इनको रामपुरी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो इनकी किताब का नाम मैंने लिखा है मुहीत आज़म,
और कराबदीन आजम, ये दोनों किताब जो है वो इनकी रिलेटेड टू द जामियू लदविया है, वो सॉरी रिलेटेड टू द इल्मू लदविया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जिक्र हुआ। लेकिन इनके अलावा हकीम आजम खान की और भी किताबें हैं, यानी अक्सीर आजम है, रुमूज़े आजम है, रुकन आजम है, नीर आजम है, लुगात-ए-तिबिया, तो ये हमारी जो है पांच किताबें और हैं अदर दैन द मुहित-ए- आजम एंड द कराबद्दीन आजम। ठीक है, तो ये सारी जो किताबें इस पेज पर मौजूद हैं इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, और ज़्यादातर इनकी किताबों के नाम आजम के नेम से ही हैं। ठीक है, तो ये हकीम आजम खान की किताबें हैं, मुहित-ए- आजम, कराबद्दीन आजम, इकसीर आजम, रुमूज़े आजम, रुकन आजम, नीर आजम, लुगात-ए-तिबिया। इकसीर आजम जो है वो मौलजात की किताब है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं खजाइनुल अदविया। ठीक है, तो देखिए खजाना जो आप एक इससे मैं आपको एक मतलब एक टिप बताती हूँ याद करने की, खजाना खजाइनुल अदविया, जैसे खजाना कहते हैं ना जिसके पास खजाना होता है वो बहुत ज़्यादा गनी होता है, गनी कहते हैं मालदार को, बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो इसीलिए ये किसने लिखी, खजाइनुल अदविया किताब लिखी है नजमुल गनी ने। ठीक है, नजमुल गनी खान ने ये किताब लिखी खजाइनुल अदविया। तो ख़जाने से आप याद रखेंगे कि ख़जाना यानी कि जिसके पास भी ख़जाना होगा तो वो बहुत रिच हो जाएगा, गनी हो जाएगा, तो नजमुल गनी ने ये किताब लिखी। ठीक है, ये भी आपके लिए आसान हो गई। इसके अलावा और इनको नजमी रामपुरी भी कहा जाता है, नजमुल गनी को। आगे बात करते हैं, या मैंने इनकी दूसरी किसी अनरिलेटेड टू द मेडिसिन, ये किसी इनके अखबारुस्सनादीद भी इन्होंने ही लिखी है, अखबारुस्सनादीद एक किताब है, ये भी नजमुल गनी खान ने लिखी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी मकालाए फ़ी तरकीबुल अदविया। ठीक है, तो मकालाए फ़ी तरकीबुल अदविया किसने लिखी है, अबुल अब्बास इबन रोमिया ने। ठीक है, तो ये इनकी किताब है। इसके अलावा उसूल तराकीब फित तिब, तो उसूल तराकीब फित तिब है, और ये देखें दोनों सेम हैं बिल्कुल, उसूल तराकीब ये भी, उसूल तराकीब ये भी, लेकिन ये रिलेटेड टू द फित तिब मेडिसिन है और ये अदविया से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो फित तिब है, उसूल तराकीब फित तिब, वो लिखी है मोहम्मद बिन खुजंदी। ठीक है, खुजंदी या खुजंदी से पढ़ सकते हैं, खुजंदी, तो ये उसूल तराकीब फितब इनकी किताब है। इसके अलावा उसूल तराकीब तराकीबुल अदविया, तो ये नजीबुद्दीन समरकंदी की किताब है। तो आपको क्या याद रखना है, समरकंदी बहुत ज़्यादा मशहूर अतिबा हैं, तो इनकी बुक का ज़रूर नाम आपको याद रखना है, उसूल तराकीबुल अदविया। आप इसको इससे कंफ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यानी इससे ये नहीं लगाएंगे आप ऑप्शन में अगर रहेगा तो, उसूल तराकीबुल अदविया की अदविया से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नजीबुद्दीन समरकंदी इनकी किताब है, और ये जो इनकी डेट दे रखी है वो इनकी डेथ वाली डेट है, यानी कि इनका जो इंतकाल हुआ था 1222 AD में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम यहाँ मैंने लिखा है, समरकंदी का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो मतलब इनका काफ़ी लॉन्गेस्ट नेम है जिसको शॉर्ट में नजीबुद्दीन समरकंदी कहा जाता है, लेकिन इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो नजीबुद्दीन अबू हामिद मोहम्मद बिन अली बिन उमर समरकंदी। ठीक है, इनको ये इनका फुल नेम है, वैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया है फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समरकंदी की अदर इम्पॉर्टेंट बुक भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि समरकंदी बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर अतिबा हैं, तो उनकी हमें दूसरी किताबों के नाम भी याद होने चाहिए। तो यही सारी जो समरकंदी की जितनी भी किताबें तारीख़ तिब में दी हुई हैं, तो वो हमारी ये सब किताबें हैं, और जो हमने ऊपर पढ़ी उसको मिलाकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, अग़ज़ियतुल मर्ज़। ठीक है, इन्होंने इस किताब में ग़िज़ा से इलाज किया है, मर्ज़ों का ग़िज़ा से इलाज किया है, ग़िज़ा से इलाज बताया, यानी डाइट से इलाज बताया, अग़ज़ियतुल मर्ज़।
एक हमारी इनकी समरकंदी की किताब है, बहुत मशहूर है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किताबुल असबाबुल अलामात। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, किताबुल असबाबुल अलामात जो इनकी किताब है। ठीक है, ये भी समरकंदी की किताब है और इसकी शरह को अलामा नफीस ने लिखा है। और इस इनकी जो शरह है, जो कि जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं, यानी किताबुल असबाबुल अलामात का जो शरह है उसका उर्दू ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं शरह असबाब के नाम से। ठीक है, तो ये जो तर्जुमा लिखा है वो कबीरुद्दीन ने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, और भी मशहूर है, किताबुल कराबदीन कबीर, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किताबुल कराबदीन सगीर। तो ये दोनों भी किताबें जो हैं वो समरकंदी की हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम कराबदीन अल कराबदीन समरकंदी। तो ये जो अल कराबदीन समरकंदी, तो ये भी हमारी समरकंदी की ही किताब है। तो ये सब आपको बुक्स, इनकी समरकंदी की बुक्स आपको याद रखनी है। और जो जामिया लदविया में दे रखी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, उसूल तराकीबुल अदविया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 पॉइंट पर दी हुई है दस्तूरुल अदवियतुल मुरक्कबा। ठीक है, तो दस्तूरुल अदवियतुल मुरक्कबा ये किसकी किताब है? ये है हमारी दाऊद बिन अबुल बयान की। ठीक है, दाऊद बिन अबुल बयान की। और अल बगिया फिर अदवियतुल मुरक्कबा, तो ये हमारी इब्ने जज्जार की। ठीक है, तो इब्ने जज्जार की जो किताब है वो है हमारी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स नहीं है। ठीक है, तो अल बगियतुल फिल अदवियतुल मुरक्कबा। इसके अलावा इसरारुल अदवियतुल मुरक्कबा, तो आपको याद रखना है हुनैन इब्ने इसहाक, ये इम्पॉर्टेंट है, हुनैन इब्ने इसहाक। ठीक है, तो हुनैन इब्ने इसहाक बहुत मशहूर, ये भी इसी तरह जैसे समरकंदी थे, तो ये भी अरब के अतिबाओं में आते हैं, नहीं अरब में नहीं आते, सॉरी अब्बास में आते हैं। ठीक है, अब्बासी तिब जो थी उसमें आते हैं ये हुनैन इब्ने इसहाक। तो इनकी किताब है इसरारुल अदवियतुल मुरक्कबा, तो ये आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हुनैन इब्ने इसहाक की आपको दूसरी किताब का नाम याद रखना है, किताबुल मसाइल। ठीक है, तो किताबुल मसाइल भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, किताबुल मसाइल। और इसके अलावा इनकी एक और बुक का नेम है जो कि है अशरे मकालात फिल एन, मकालात फिल एन। ठीक है, तो ये हमारी हुनैन इब्ने इसहाक की किताबें हैं, इसरारुल अदवियतुल मुरक्कबा और किताबुल मसाइल और अशरे मकालात फिल एन। ठीक है, अभी हम इसका आपका टेस्ट लेंगे, यानी एमसीक्यू होगा, तो उससे आपकी जो देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, यानी ये बहुत मशहूर किताब है, मिन्हाजुद दुकान व दस्तूरुल आयान। ये जो है वो सईदला मुरक्कबा की किताब है। ठीक है, मिन्हाजुद दुकान व दस्तूरुल आयान, तो ये आपको याद रखना है, ये है हमारी अबू नसर अत्तार इसराइली की। ठीक है, तो मैंने इसका वो बनाया है, एक दुकान में इसराइल, जो इसराइल होती है इसराइल की कंपनी के, अत्तार दस्तूर में आए हैं, दस्तूर कहते हैं रिवाज में। ठीक है ना, तो ये एक लाइन मैंने ऐसी बना दी है ताकि आपको दुकान से याद रहे, कि दुकान के दुकान में इसराइल से याद रहे। तो अगर ये मिन्हाजुद दुकान व दस्तूरुल आयान अगर पूछा जाता है तो आपको अबू नस्र अत्तार इसराइल लगाना है, इसराइली। ठीक है, यानी कि ये इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब याद करने के लिए आप ये लाइन याद कर सकते हैं कि दुकान में इसराइल के अत्तार, यानी इत्र जो होते हैं परफ्यूम, वो दस्तूर में आए हैं। ठीक है, इसराइल के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आज मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कराबदीन की, जितनी भी कराबदीन है उनको एक साथ बयान कर दिया गया है जामिउल अदविया में, तो इन कराबदीन को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, एक कराबदीन कबीर है जो अलग किसी अतिबा ने लिखी है, बाकी सारे हकीम हैं।
अराबदीन को लिखने वाले सब हकीम हैं, बस हकीम तो हकीम मोहम्मद हुसैन खान है, लेकिन इनका थोड़ा अलग सा नाम है, बाकी इनके ये सब खान भी हैं। ठीक है, तो अब देखें हम याद करते हैं, यानी कि अराबदीन कबीर, कबीर जो लिखी है वो हकीम मोहम्मद हुसैन खान ने लिखी है, ये आपको याद रखना है, हकीम मोहम्मद हुसैन खान। कराबदीन बकाई, तो कराबदीन बकाई याद करना आसान है कि हकीम बका खान ने लिखी, कराबदीन जकाई हकीम जका खान ने लिखी, कराबदीन शिफाई यानी हकीम शिफा खान ने लिखी, कराबदीन सिकंदरी हकीम सिकंदर ने लिखी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चार किताबें जो कि हकीम अकबर अरजानी की हैं। ठीक है, हकीम अकबर अरजानी की चार किताबें हैं जो कि हमारी कराबदीन अकबरी, इसके अलावा कराबदीन कादरी और तिब्बे अकबर, आपको याद रखना है अकबरी, ज़्यादातर देखिए अकबर 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 वाली किताब जो है वो हकीम अकबर की हैं। ठीक है, हकीम अकबर अरजानी की, तो इनके अकबर इनके नाम में है अकबर अरजानी, तो इसीलिए इनकी ज़्यादातर किताबें जो हैं वो अकबर के नाम से हैं, कराबदीन अकबरी, तिब्बे अकबर या मुजर्रबात अकबरी। ठीक है, तो ये तीन किताबें तो अकबर 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 से रिलेटेड हो गई, और एक इनकी हो गई कराबदीन कादरी। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की जामिउल अदविया से रिलेटेड 45 तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं किताबों के नाम। ठीक है, एक नज़र मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़े, कानून के तर्जुमे थे ये तीन। ठीक है, उर्दू का तर्जुमा अलामा कमीरुद्दीन ने लिखा, इंग्लिश तर्जुमा हमदर्द पब्लिकेशन का है, लेकिन एक और कुल्यात कानून का तर्जुमा है जो कि डॉक्टर ग्रूनर ने लिखा है। ठीक है, कानून का तर्जुमा लैटिन जबान में जेरार्ड ऑफ द क्रेमोना ने लिखा। ठीक है, इसके अलावा तोहफतुल मोमिनीन, आपको याद हो गया कि ये मोमिनीन से ही आपको याद रखना है, इनके नाम में ही आ रहा है मोमिनीन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको आज़म खान की किताबों के नाम बता दिए, जिसमें सभी ज़्यादातर आज़म 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 करके किताबें हैं। ठीक है, तो मुहित आज़म, कराबदीन आज़म, इकसीर आज़म, रमूज आज़म, रुकन आज़म, मीर आज़म, तो ये सारी किताबों के नाम हकीम आज़म खान रामपुरी के हैं, जो कि ये हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ अतिबाओं में से हैं। ठीक है, और ये रामपुर में पैदा हुए थे 1813 में। फिर मैंने आपको बताया ख़ज़ाइनुल अदविया, तो ख़ज़ाना जिसके पास होता है वो गनी होता है, तो ये नजमुल गनी की किताब है। इसके अलावा मकाला फित तरकीब ये अबुल अब्बास की है। फिर मैंने उसूल तरकीब फित तिब बताया मोहम्मद बिन खुंजदी। ठीक है, इसके अलावा उसूल तरकीबुल अदविया, तो ये हमने जो कि मैंने बताया समरकंदी बहुत मशहूर अतिबा हैं, तो ये उनकी किताब है। ठीक है, आपको इससे फित तिब वाले पर नहीं लगाना है, अदविया से याद रखना है, अदविया से रिलेटेड इनकी उसूल तरकीबुल अदविया है। फिर मैंने आपको समरकंदी की और दूसरी किताबों के मशहूर किताबों के नाम बताए, जैसे अकदियतुल मर्ज, किताबुल असबाबुल अलामात, जो कि शरह असबाब जिसका तर्जुमा किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किताबुल असबाबुल अलामात की शरह अलामा नफीस ने लिखी है, और किताब फिर इस शरह को तर्जुमा किया है कबीरुद्दीन ने। ठीक है, इसके अलावा किताबुल कराबदीन कबीर, किताबुल कराबदीन सगीर, ये भी समरकंदी की किताबें हैं, और कराबदीन समरकंदी। इसके अलावा मैंने दस्तूरुल अदवियतुल मुरक्कबा दाऊद की बताई, इसके अलावा अलबकिया फिल अदवियतुल मुरक्कबा इब्ने जज्जार की, इसरारुल अदवियतुल मुरक्कबा, तो ये हुनैन बिन इब्ने इसहाक की किताब है, और इसके अलावा किताबुल मसाइल, मसलों की एक तरह से आप याद रखते हैं, हुनैन इब्ने इसहाक। फिर मैंने आपको ये मिनहाजुद दुकान वाले का याद करा दिया, इसके अलावा हमने सारे कराबदीन पढ़ लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने 45 पॉइंट्स तक मुसन्निफ डिस्कस किए विद देयर बुक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अहम नुकात पर। अहम नुकात में हम 21 पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 21 पॉइंट्स से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है इसमें डायरेक्टली एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि तमाम सब्जियां, तरकारियां, शहद, गुड़, गेहूं, चना, अंडा, मछली, तो इन्होंने ये एग्जांपल्स दी इस बुक में। अब ये क्या है कि ये एग्जांपल किसकी है, ये आपको याद रखना है, ये गिजाई दवाई की हैं। अब गिजाई दवाई की एग्जांपल दे दी, तो आपका अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए गिजाई दवाई क्या होता है।
तो ग़िज़ाई दवाई को याद करने का तरीका बहुत इजी है कि ग़िज़ा अगर पहले आ रहा है, यानी कि जो भी वर्ड ग़िज़ाई दवाई या दवाई ग़िज़ाई, तो जो जो लफ्ज़ पहले आएगा यानी ग़िज़ा पहले आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों में ग़िज़ा जो होगी वो डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो आप देखें ये इसकी डेफिनेशन देखें, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है तौज़ियात कुल्लियात अदविया बुक से। तो ग़िज़ा के तौर पर मुस्तमिल चीज़ें जिनमें ग़िज़ाई अज्ज़ा ज़्यादा दवा और दवाई अज्ज़ा कम हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो जिसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ग़िज़ा पहले आ रहा है, और दवाई अज्ज़ा कम हो। तो इसमें हमारी सब्ज़ियाँ आ जाएंगी, तरकारियाँ आ जाएंगी, शहद, गुड़, मतलब इसमें थोड़ा सा अज्ज़ा हैं जो दवाई वाले हैं, लेकिन डोमिनेंट किसका पार्ट है? ग़िज़ा का पार्ट, चना, अंडा, मछली। अब हम आ जाते हैं इसका अपोजिट, तो ये है हमारा तमाम फल आ जाएंगे। ठीक है, दवाए ग़िज़ाई होते हैं, तमाम फल जो होते हैं वो दवाए ग़िज़ाई होते हैं, तमाम सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो ग़िज़ाए दवाई होती हैं। ठीक है, पुदीना, बाखला, खुरफा, पालक, बतुआ, मतलब इसमें ग़िज़ा का पार्ट तो है, ग़िज़ा के तौर पर पालक भी इस्तेमाल किया जाता है, बतुआ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें दवा का जुज़ भी है। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है कि वो चीज़ें जिनमें दवाई अज्जा ज़्यादा, क्योंकि दवा पहले आ गया तो दवाई अज्जा ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द ग़िज़ाई अज्जा कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसकी आपने एग्जाम्पल याद रखनी है, पुदीना आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, या खुरपा, पालक भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पालक से कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि ये होगा ग़िज़ा, ग़िज़ा नहीं, ये ग़िज़ाई दवाई नहीं है, बल्कि ये दवाई ग़िज़ाई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे, यानी दवा का असल मकसद 23 पॉइंट पर है कि दवा का असल मकसद क्या होता है। मर्ज़ यानी डिज़ीज़ को, और मर्ज़ी अवारजात यानी डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करना। ठीक है, तो दवा का मकसद होता है डिज़ीज़ को मतलब ठीक करना, बीमारी को दूर करना। ठीक है, और ग़िज़ा का असल मकसद क्या होता है? बदल मा यतहल्लुल फराहम करना। अब बदल मा यतहल्लुल क्या होता है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें इन द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, तो ये कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी की बॉडी से फ्लूड चले गए हैं, या फिर फ्लूड की कमी हो गई है, ठीक है, या फिर अगर किसी की बॉडी से जो है प्रोटीन की कमी हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंसान एग खाएगा। ठीक है, तो ग़िज़ा खाएगा वो, कोई भी प्रोटीन, मीट खाएगा, गोश्त खाएगा, तो अब क्या होगा कि वो गोश्त जो होगा उसकी बॉडी में जाकर क्या क्या प्रोवाइड करेगा, वो अपना मकसद पूरा करेगा। बदल मायतल, यानी कि जहाँ जहाँ पर प्रोटीन की कमी होगी, तो वो जो मेटाबोलाइज होकर, ठीक है, कैटाबोलाइज होकर क्या होगा कि उसके अमाइनो एसिड जो हैं वो उसके प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन का पार्ट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो यही है बदल माए तहल्लुल। तो इस यानी कि आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूड एंड एनर्जी दैट आर कंज्यूम्ड इन द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी चीज़, यानी फ्लूड हो, एनर्जी हो, या कोई कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, अगर वो जो है कंज्यूम हो गया है, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के प्रोसेस को बदल माए तहल्लुल कहते हैं। ठीक है, ज़ुल्ख़ासा का असल मकसद क्या है? तो ज़ुल्ख़ासा का असल मकसद है ग़िज़ा और दवा दोनों की ज़रूरियात को तकमील करना। यानी कि जो ग़िज़ा का काम होता है और जो दवा का काम होता है, दोनों के काम को ज़ुल्ख़ासा अंजाम देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मिजाज उला और मिजाज सानी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए मिजाज उला क्या होता है और मिजाज सानी क्या होता है। तो मिजाज उला को हम जो है वो मिजाज अव्वली भी कहते हैं, ठीक है, और मिजाज तबई भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो दवा में चंद अनासिर के इज्तिमा, या फिर इज्तिमा उन्हें जमा होने को कहते हैं, जितने भी कुछ कुछ अनासिर के मिक्स होने से उनके उनके आपस में फेलो इनफाल होता है, और उसके बाद जो मखसूस कैफियत पैदा होती है वो मिजाज उला कहलाता है। ठीक है, ये हो गया मिजाज उला। अब जिन अदवियाओं में, यानी जिन दवाओं के अंदर मिजाज, जिन दवाओं के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मिजाज होगा वो मिजाज उला होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा मिजाज सानी। यानी ये हमारा मिजाज उला एक तरह से किसी का प्राइमरी टेम्परामेंट हो गया। यानी कोई जुज था, है ना, कोई कुछ अनासिर थे जो उनका उनसे कोई कोई मुफरद दवा बनी मान लीजिए, और वो मुफरद दवा जो है वो उसका मिजाज हो गया मिजाज उला, या फिर कोई भी एक
छोटा सा एलिमेंट बना जिसका मिजाज उला उसको हासिल होगा, जो सबसे पहले उसको मिजाज हासिल हुआ, लेकिन उस एलिमेंट से कोई कंपाउंड बना, ठीक है। तो फिर उस पूरे कंपाउंड को यानी मिजाज उला सारे उला आ जाएंगे, और उसमें जो तरकीबी अज्जा तरकीब पाने के बाद जो मिजाज उसको हासिल होगा तो वो उसका सेकेंडरी टेम्परामेंट होगा जो उसके कंपाउंड में हासिल होगा, ठीक है। तो यानी कि जिन अद्विया के अज्जाए तरकीबी में मिजाज उला पाया जाता है, और ठीक है, और एक बार आप लोग इसको तौजीहात में भी देख लीजिएगा, क्योंकि तौजीहात कुलियात अद्विया से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं उस बुक से जो जामीउल अद्विया में नहीं होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तमाम मुफरदल कुवा दवाएं जो होती हैं वो मिजाज उला होती हैं, मिजाज अव्वली भी इसको कहते हैं, और मिजाज तबई। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि तमाम मुफरदल कुवा जो होती हैं बहुत ही कमयाब होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। और ये मुफरदल कुवा में मिजाज कौन सा होता है, मिजाज उला होता है। अब मुफरदल कुआ से आप क्या समझ रहे हैं, मुफरदल कुआ से आपको समझना है कि ऐसी कोई दवा जिसमें सिर्फ उसका एक ही फंक्शन हो, ठीक है, सिर्फ वन फंक्शन हो, यानी मुफरद कुआ की हामिल हो वो, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत ही कम रेयरली ऐसी कोई दवा होगी ना जिसका सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, एक ही अफाल होगा। तो इसीलिए तौजीहात में ये बोली भी गई है लाइन कि मुफरदल कुवा जो होती हैं तो वो बहुत कामयाब होती हैं, मतलब ऐसी दवाएं बहुत कम मिलती हैं। और आपको याद रखना है कि मिजाज उला किन दवाओं में पाया जाता है, ये मुफरदल कुवा दवाओं में पाया जाता है, और इसकी एग्जाम्पल भी नहीं बताई गई है बुक में, ठीक है। लेकिन मुरक्कबुल कुवा जो दवाएं होती हैं वो किसकी हामिल होती हैं, वो मिजाज सानी की हामिल होती हैं। और मुरक्कबुल कुवा में क्या होगा कि ऐसी दवाएं जिनके अंदर अपोजिट यानी कि अपोजिट मिजाज पाए जाएं, ठीक है, अपोजिट या फिर बहुत सारे फंक्शंस पाए जाएं, ठीक है जी। कि किसी का अगर किसी का जो है मुसिल है तो दूसरा उसका जूस जो है उसी दवा का काबिज होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस अगर किसी दवा में पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मुरक्कबुल कुवा होंगी, और वो किस मिजाज की हामिल होती हैं, वो मिजाज सानी की हामिल होती हैं। तो अब मुरक्कबुल कुवा की आपको एग्जांपल याद रखनी है, क्योंकि मुरक्कबुल कुवा की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती हैं, ठीक है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और मशहूर इसकी मुरक्कबुल कुवा की एग्जांपल है रेविन चीनी यानी कि रियूम इमोडी, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये क्या होती है, तो ये रेविन चीनी जो होती है इसमें मुतनाज़ात कैफियत होती है, यानी इसका एक जुज जो होता है वो मुलैन होता है या फिर मुसहिल भी होता है, लेग्जेटिव भी होता है, ठीक है, और इसका दूसरा जुज जो होता है वो काबिज़ होता है ना, एस्ट्रिंजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों क्या हो गए, अफाल मुतजाद हो गए, अपोजिट हो गए, इसीलिए इसी बिना पर जो है इसको मुरक्कबुल कुवा कहा गया, यानी अपोजिट फंक्शंस रखने वाली जो अद्वियाँ हैं वो जो है मुरक्कबुल कुवा हैं, और इनमें एग्जांपल है इम्पॉर्टेंट रेविन चीनी। फिर आ जाते हैं दूध, तो दूध को भी अतिब्बाओं ने क्या बताया, मुरक्कबुल कुवा बताया, ठीक है। अब क्यों बताया इसको, क्योंकि दूध के अंदर जो है पनीर भी होता है, यानी इसके तीन, ये दूध जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, यानी उसका पनीर वाला पार्ट होगा और रोगन वाला पार्ट होगा जिससे घी निकलता है, और इसके अलावा उसका अज्जाए माइया उसके पानी वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो इसके तीन जुज होते हैं, जो कि पनीर होता है, रोगन होता है, मतलब ये ठीक है, और ये अज्जाए माइया होते हैं। तो इन सब की अलग अलग मिजाजी कैफियत होती है, ठीक है, और इसीलिए इसको भी दूध को भी क्या कहा गया, मुरक्कबुल कुवा कहा गया। अब देखें इसमें ये भी बताया गया है तौजीहात कुलियात अद्विया में कि जो पनीर होता है तो पनीर का मिजाज क्या होता है, हार याबिस होता है, ठीक है। इसी तरह से जो रोगन वाला पार्ट है तो रोगन वाले पार्ट का मिजाज जो होता है वो हार रतब होता है, और जो अज्जाए माइया यानी पानी वाले पार्ट का जो मिजाज है वो क्या होता है, वो बारिद रतब होता है। तो अब देखें इन तीनों का क्या हुआ, इन तीनों का अलग अलग मिजाज हो गया ना, यानी पनीर का जो मिजाज उला हुआ
वो हार याबिस हुआ, इसी तरह से रोगन का मिजाज ऊला हार रतब हुआ, और इसी तरह से अज्जाए माया का मिजाज ऊला क्या हुआ, बारिद रतब। तो अब इन तीनों को, ये तीनों किस में आ गए, ये आ गए हमारे दूध के अंदर। तो अब इसको जो दूध को जो मिजाज हासिल हुआ तो वो कौन सा मिजाज होगा, मिजाज सानी होगा। लेकिन इसके जो जुज हैं वो हमारे कैसे हैं, वो मिजाज ऊला रखते हैं अपना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि दूध क्यों है मुरक्कबुल कुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से इसकी बाकी भी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, जैसे कि वर्द, वर्द कहते हैं गुलाब को, रोज़ को, रोज़ा डैमिसिना इसका वो होता है साइंटिफिक नेम। इसके अलावा इन्फहा और किशनीज, किशनीज कहते हैं धनिए को, कोरिएंडर को, यानी कोरिएंडर सटाइवम, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये सब मुरक्कबुल क्वा हैं। ये पांच एग्जांपल आपको मुरक्कबुल क्वा में याद रखनी है, यानी कि रेविन चीनी, दूध, वर्द, इन्फहा और किशनीज। आगे बढ़ते हैं 30 पॉइंट, ठीक है। जौहरे फुआल, जौहरे आला, जौहरे मौसर। तो जौहरे फुआल, जौहरे आला, जौहरे मौसर, ये क्या है, अगर हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी हर दवा के अंदर कुछ कोई ना कोई उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और वही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को जौहरे फुआल कहा जाता है, जौहरे आला कहा जाता है, जौहरे मौसर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है जामिउल अदविया में, कि दवा का वो जुज जो कवी हो और गालिब हो और जिसकी तासीर नुमाया हो, यानी कि दवा का कोई ऐसा पार्ट है जो जूस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कवी है, गालिब है, यानी डोमिनेंट है, और उसकी उसकी तासीर कैसी है, नुमाया है, यानी कि वो दवा जो है किसके बेसिस पर काम करेगी, अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर काम करेगी, ठीक है। जैसे कि मॉर्फिन होता है या थाइमोल होता है, थाइमोल किस में होता है, अजवाइन, अजवाइन खुरासानी में, अजवाइन देसी में आई थिंक, या अजवाइन खुरासानी में थाइमोल होता है, ठीक है। अजवाइन देसी का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थाइमोल। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब हम जैसे पढ़ रहे थे ना मिजाजे उला, मिजाजे सानी, तो अब देखें मिजाज सानी की, यानी मिजाज उला की तो किस्में नहीं होती, लेकिन मिजाज सानी की दो अकसाम होती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिजाज सानी की दो अकसाम होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मिजाज सानी मुस्तहकम, मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। अब ये क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो देखें मिजाज सानी मुस्तहकम यानी स्टेबल, इसे आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा मिजाज होता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा। अब ये कैसे समझेंगे इसको, कि मिजाज सानी मुस्तहकम यानी जिसके अज्जा को अलहदा करना दुश्वार हो, जिसके अज्जा जो हैं उनको अलहदा करना, उनको सेपरेट करना दुश्वार हो, यानी कि अगर हम उनको पानी में जोश दे दें तब भी उनके जुज अलग नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम उनको आग में जला दें तब भी उनके जूस अलग नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इनको जला दिया जाए, कूट लिया जाए, तब भी इनके जूस जो होंगे वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखनी है, जो कि जामिउल अदविया में नहीं दी है, लेकिन ये बुक में दे रखी हैं तौजीहात कुलियात अदविया में, और इससे 2021 में AIPGT में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नुकरा किसकी, नुकरा की मिसाल, तो बताइए नुकरा किसकी मिसाल है, तो ये बस पूछा था, और उसमें चार ऑप्शन थे जिसमें था मिजाज सानी मुस्तहकम, मिजाज सानी मुस्तहकम रखे मुतलक, या फिर रखू मुतलक, या रखू जिद्दन, या रखू बाफिरात, ठीक है। इस तरह से चार ऑप्शन थे, और उसमें आपको लगाना था नुकरा जो है एग्जाम्पल वो है किसकी, मिजाज सानी मुस्तहकम की। इसके अलावा आप याद कर लीजिए तिला, देखिए तिला कहते हैं गोल्ड को, नुकरा कहते हैं सिल्वर को, तांबा कहते हैं कॉपर को, और जस्ट इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, शायद देखिए इसे जिंक या एल्युमिनियम कहते हैं, कि मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, अब इसके बाद आ जाते हैं हम आगे मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। तो मिजाज सानी गैर मुस्तहकम क्या होते हैं, यानी इनके जो अज्जा होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं,
ठीक है, क्या हो गया? अब इसकी भी तीन अकसाम होती हैं, रखू 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 मतलब रखू जद्दन, रखू बाफिरात। अब ये देखते हैं रखू मतलब क्या है। रखू मतलब यानी जिसके अज्जा को आग पर जलाया जाए और वो अलहदा हो जाए, ठीक है, यानी सिर्फ आग आग पर जलाना पड़ेगा, यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, इतने इनका इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत पास मतलब बहुत कम है उनका इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, तो इस वजह से वो अगर पानी में उनको जोश दिया जाए तो उनके अज्जा सेपरेट नहीं हो पाते, लेकिन अगर उनको आग पर जलाया जाए तो वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रखू रखू मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है, रखू मतलब की एग्जांपल हो सकता है पूछ ली जाए, इसकी एग्जांपल है बाबूना, ठीक है, रखू मतलब की एग्जांपल है बाबूना, यानी कि इसमें जो है बाबूना में दो जज होते हैं, ये काबिज़ भी होता है, मतलब इसके अलावा और भी जज होते होंगे, काबिज़ भी होगा और मुहल्लिल भी होगा, तो इसमें ये बताया गया कि जब इसको पानी में जोश दिया जाता है तो ये दोनों अज्जा जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, लेकिन अगर इसे आग में जलाया जाता है तो इसके अज्जा सेपरेट हो जाते हैं। और बाबूना की यहाँ मैंने ये लिख रखा है कि बाबूना का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैट्रिकेरिया कैमोमेला, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस ये थोड़ा ज़्यादा मतलब इसे आग देनी पड़ रही थी, तो अब हम इससे थोड़े कम पर आएंगे, कम लेवल पर आएंगे, इस यानी रखू जिद्दन पर आएंगे। तो रखू जिद्दन क्या होता है, रखू रखू जिद्दन में इसके जो अज्जा होते हैं वो पानी में जोश देकर अलहदा किया जा सकता है, यानी कि रखू मतलब को जो है पानी में जोश देकर अलहदा नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जिद्दन में यह है कि इसको पानी में जोश देकर ही इसको अलहदा किया जा सकता है, यानी इसे आग से जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा होता है, ये अपनी दवाओं के अज्जाए इनके जो दवाओं के अज्जा होते हैं रखू मतलब के मुकाबले में गीले और नरम होते हैं, तो इनकी रखू जिद्दन के जो अज्जा होते हैं वो कैसे होते हैं, रखू मतलब के मुकाबले में ढीले और नरम होते हैं, इसकी वजह खलियों के दरमियानी जगह जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है रखू मतलब के मुकाबले में वो ज़्यादा होता है, यानी कि इसके जो जुज होंगे वो इस तरह से थोड़ा दूर दूर होंगे, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इसके एग्जांपल भी आपको याद रखनी है, इसमें है एग्जांपल मसूर, मसूर आपको याद रखनी है, और रखू मतलब की जो एग्जांपल थी वो थी बाबूना, ठीक है, तो इसमें मुहल्लिल और काबिज होता है, इसमें जो है जब इसको पानी में जोश दिया जाता है तो मुहल्लिल जो जुज होता है वो पानी में आ जाता है, और जो काबिज जुज होता है वो मसूर में ही रह जाता है। ये मसूर की दाल की बात चल रही है, आई थिंक सो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रखू बाफिरात, रखू बाफिरात यानी अज्जा को सिर्फ पानी में धोने से अलहदा किया जा सकता है, ना ही इसमें पानी में जोश देने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसको आग पर जलाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसके जो अज्जा होते हैं वो बहुत यानी कि इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है अज्जा का वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है, और ठीक है, तो ये रखू इसको कहते हैं रखू बाफिरात, ठीक है। अब क्या है, बर्गी कासनी इसकी एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। मुहल्लिल जो होती है नमकीन मादा पानी में आ जाता है, ठीक है, तो धोने से ही इसका जो मुहल्लिल मादा होता है वो पानी में आ जाता है। दूसरे जौहर पानी में आ जाते हैं और नमकीन मादा जो होता है वो बर्गे कासनी में ही रह जाता है। अब आ जाते हैं सुखल या फूक, इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट या रेसिड्यू से आप समझ सकते हैं, सुफल है या फूक भी इसको कहा जाता है, इसको बेकार या शेजाइद कहा जाता है, या बाकी मादाए शे, ठीक है, तो ये सब इसकी मुतरादिफ हैं अलग अलग, सुफल के फूक बेकार शेजाइद या फिर बाकी मादाए शे, तो ये क्या होते हैं, ये जब मुरक्कबुल क़ुवा जो हमने दवाएं देखी, मुरक्कबुल क़ुवा दवा से इसके असल जौहर को अलहदा कर लिया जाए तो बाद में बाकी बची बेकार जो चीज़ें होती हैं वो सुफल कहलाती हैं, यानी प्रेसिपिटेट कहलाती हैं, रेसिड्यू कहलाती हैं।
ठीक है, अब हम बिल्कुल एंड पर चल रहे हैं, फिर हम इसके बाद क्विज़ करेंगे, तो आप लोग जाइएगा मत। ठीक है, आ जाते हैं हम 38 पॉइंट पर। 38 पॉइंट में क्या है कि दवाए मौतदिल, दवाए मौतदिल क्या होती है, दवाए दवा वारिद बदन होकर, यानी बदन में बॉडी में एंटर होने के बाद, वारिद होने के बाद, हरारत गरीजिया से मुतासिर होकर इंसानी मिजाज के ख़िलाफ़ कोई कैफियत पैदा नहीं करती। दवा को बार बार ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कराया जाए तब भी उसका कोई असर महसूस नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी किसी का भी, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को अगर दवा मौतदिल इस्तेमाल कराई जाएगी तो वो दवा मौतदिल जो है उसे कितनी भी बार इस्तेमाल कराया जाए, बार बार इस्तेमाल कराया जाए, लेकिन उसका असर जो है वो महसूस नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं कि इंसानी मिजाज के ख़िलाफ़ कोई कैफियत पैदा नहीं करती। अगर किसी का मिजाज हार है तो ऐसा नहीं करेगी उसे बार बार इस्तेमाल कराने से कि वो जो है वो बरूदत पैदा कर दे। ठीक है, तो ये मौतदिल यानी एतदाल को कायम रखती है बॉडी में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। दवाएं गैर मौतदिल में हमारी ये चार एग्जांपल रहती हैं। ठीक है, मतलब जैसे दवाएं हार होती हैं, बारिद होती हैं, याबिस होती हैं और रतब होती हैं, तो ये सब क्या होती हैं, ये इसमें यहाँ पर बयान नहीं किया गया है। यानी जब आप दवाए मौतदिल पढ़ेंगे तो इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर दवाए गैर मौतदिल। ठीक है, तो दवाए गैर मौतदिल आपको क्या याद रखना है कि दवाए गैर मौतदिल ऐसी दवाएँ होती हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बता देती हूँ, ऐसी दवाएँ होती हैं जो जिस्मानी हरारत से मुतासिर होकर जो है अज्जाए तरकीबी से मिलकर क्या क्या करती हैं, एक ऐसी जायद कैफियत पैदा करती हैं जो बदन की मौतदिल कैफियत और मिजाज के ख़िलाफ़ हों। यानी कि अगर किसी को दवाए गैर मौतदिल इस्तेमाल करवाई गई तो वो बॉडी के ख़िलाफ़ जो है जायद कैफियत पैदा करेगी। अब उसकी एग्जांपल में कौन आ जाती हैं, दवाई हार आ जाती हैं। दवाई हार क्या करती हैं, दवा हरारत पैदा करती हैं, दवाई बारिद बरूदत पैदा करती हैं, दवाई रतूबत पैदा करती हैं। तो इस तरह से ये 8 किस्में हो जाती हैं दवाई गैर मौतदिल की, जिसमें मुफरद में हार बारिद रतब याबिस आ जाएंगी और मुरक्कब दवाओं में दवाई हार याबिस, दवाई हार बारिद हार रतब और दवाई बारिद याबिस, दवाई बारिद रतब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आप जब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद देखेंगे तो वो आता है टेम्परामेंट वाला चैप्टर। ठीक है, यानी मिजाज अदविया के दर्जात, तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो दिए गए हैं मिजाज अदविया के दर्जात वाले चैप्टर से, जिसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया गया है दवाएँ दर्जा अव्वल कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दवाएँ दर्जा अव्वल क्या होता है ये आपको समझना है कि दवा के इस्तेमाल के बाद इंसान में जो कैफियत पैदा हो वो महसूस ना हो। ठीक है, पहले दर्जे की यानी बहुत कम दर्जे की दवा है जब उसको इस्तेमाल कराया गया तो उसकी जो कैफियत है तो वो महसूस ना हो। ठीक है, इंसान में जो कैफियत पैदा हुई है वो महसूस ना हो, लेकिन अगर उसको बार बार इस्तेमाल कराया जाए तो वो मकदार या ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कराया जाए तो उसकी मामूली असरात ज़ाहिर होने लगें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दवाई दर्जाए दोम। तो दवाई दर्जाए दोम में क्या आती है, ये थोड़े से सेकंड डिग्री की होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा असर पैदा करेंगी बॉडी में, यानी दवा जब दवा को इस्तेमाल कराया जाए तो उसके असरात कभी हो, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग उसके असरात हो और इतने नहीं हो लेकिन अफाल में कोई खलल वाक़ हो जाए, यानी बॉडी के फंक्शन में कोई खलल वाक़ नहीं होता है, बस उसके असरात नुमाया होते हैं। लेकिन अगर दवा को बार बार इस्तेमाल कराया जाए या ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कराया जाए तो उस फिर क्या होगा कि उसके उसके अफाल में, बॉडी के अफाल में नुमाया यानी ज़्यादा जो है वो खलल वाक़ होने लगेगा, यानी फंक्शंस के, बॉडी के फंक्शंस ख़राब होने लगेंगे अगर दवाए दर्जाए दोम को बार बार इस्तेमाल कराया जाए। अब देखें इसको ही मैंने आसानी के लिए यहाँ इस तरह से लिख दिया है कि देखें अगर दवाए अव्वल यानी दर्जाए अव्वल वाली जो दवाएँ अगर नॉर्मल मकदार में इस्तेमाल कराए जाएंगी, जो उसकी अपनी मुकर्ररा मकदार होती है अगर उसमें इस्तेमाल कराई जाएंगी तो उसके असरात महसूस नहीं होंगे, लेकिन अगर मकदार खुराक में ज़्यादा या बार बार इस्तेमाल कराई जाएंगी तो उसके मामूली असरात ज़ाहिर होंगे।
ठीक है। इसी तरह से दर्जाए दोम की दवाएं जो होती हैं वो अगर अपने नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल कराई जाएं तो उसके असरात कभी होते हैं और अफाल मुतासिर नहीं होते, यानी बॉडी के फंक्शन मुतासिर नहीं होते नॉर्मल मिकदार में। लेकिन अगर उसके मिकदार को बढ़ा दिया जाए या बार बार इस्तेमाल कराया जाए तो क्या होगा, उसके अफाल बॉडी के फंक्शंस जो हैं उनमें खलल वाक़े होगा। अब आप थर्ड डिग्री भी खुद समझ सकते हैं कि थर्ड डिग्री जो होगा वो सबसे पहले वाले पॉइंट में आ जाएगा, नॉर्मल वाले में। ठीक है, अगर नॉर्मल क्या होगा कि थर्ड डिग्री में नॉर्मल मिकदार में अगर थर्ड डिग्री की यानी तीसरे दर्जे की दवा इस्तेमाल कराई जाएंगी तो डायरेक्टली अफाल में खलल वाक़े होने लगेगा। ठीक है, तो देखें दवाए दर्जाए सोम यानी दवा के फेल और कुव्वत की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि उससे बदन के अफाल नुमाया खलल वाक़े हो जाता है। ठीक है, तो बदन के अफाल जो होते हैं बदनी अफाल में नुमाया खलल यानी डिफेक्ट आ जाता है बॉडी के फंक्शंस में। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं अगर दवाए दर्जाए सोम को यानी थर्ड डिग्री की दर्जा दवा को इस्तेमाल करा लिया जाए। लेकिन इतना इतना नहीं होता कि हलाकत हो जाए, इतना नहीं होता कि उसको मौत लाहक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर बार बार इस्तेमाल कराया जाएगा दर्जाए सोम की दवाओं को तो फिर क्या होगा कि उसके इस बार बार या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कराने से हलाकत हो सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसा मरीज़ जो है वो मर सकता है, फैटल हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दवाए दर्जाए चहारम। तो दवाए दर्जाए चहारम में क्या है कि ये फोर्थ डिग्री की ड्रग्स होती हैं, यानी दवा का फेल इस कदर कवी होता है, यानी इतना ज़्यादा इसका फंक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके एक्शंस के बदनी निज़ाम जो होता है यानी बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा दरहम बरहम हो जाता है। दरहम बरहम यानी कि बिगड़ जाता है, पूरा बॉडी का सिस्टम बिगड़ हो जाता है। जैसे अगर किसी को जहर दे दिया तो इसीलिए ना इनको दर्जाए चहारम की दवाओं को अदवियाए सम्मी कहा जाता है, यानी टॉक्सिक ड्रग कहा जाता है ये इनको मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर इस्तेमाल किया भी जाता है तो इनको बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको कोई जहरीला असर ना हो। ठीक है, तो दर्जाए चहारम की अदविया आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी चीज़ को फिर से मैंने समझाया कि अगर दर्जाए सोम की जो दवा होती हैं वो बदनी अफाल में खलल वाक़े करेंगी, हलाकत नहीं होने देंगी, लेकिन अगर दर्जाए सोम को बार बार या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाएगा तो हलाकत का सबब बनेंगी। लेकिन जो दर्जाए चहारम की नॉर्मल मिकदार में ही बॉडी बदनी निज़ाम को बॉडी सिस्टम को धरम भरम कर देती हैं, ठीक है, और इंसान को हलाक तक ले जाती है, यानी कि अगर ज़्यादा ही इस्तेमाल कर दी गई तो इससे इंसान जो है वो हलाक हो जाएगा। इस चौथे दर्जे की दवाओं को कहा जाता है अदवियाए सम्मी। लास्ट है ये पेज, तो दवाए सम्मी क्या होती हैं, तो दवाई सम्मी ये दवाएं जो होती हैं वो खालिस जहर नहीं होती। तो टॉक्सिक ड्रग से आप ये नहीं समझेंगे कि ये प्योर टॉक्सिक हैं, तो ये प्योर टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, ये दवाएं जो होती हैं वो खालिस जहर नहीं होती हैं, इनमें इनसे हलाकत होती है ठीक है, तो ना ही इनसे दवाई सम्मी से हलाकत नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करा ली जाएंगी तो हलाकत हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर इनको कम मिकदार में इस्तेमाल कराया जाए तो ये दवा के तौर पर मुस्तमिल होती हैं। तो यूनानी मेडिसिन में इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, दवाई सम्मी को भी, लेकिन बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, यहाँ जो हमारी जामियुल अदविया में सिर्फ इतना पॉइंट दे रखा है, यानी दवाई सम्मी क्या होती हैं, वो दवा जिसका कोई जुज या मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजा के लिए बतौर दवा इस्तेमाल हो। ठीक है, तो ये है कि मतलब इसका कोई जुज इस्तेमाल हो या वो मुकम्मल तौर पर जो है इलाज मुआलजा के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होती है। लेकिन आपको याद रखना है बतौर दवा अगर इस्तेमाल हो भी रही है तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है अदवियाए सम्मी की। एग्जाम्पल्स हैं समुलफार, बीश, अजराकी, हब्बुस सलातीन। तो समुलफार क्या है, ये वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक है, इसको सिंकिया कहते हैं, जहर आदम कहते हैं,
मर्गमोश कहते हैं, मर्गमोश, और इसे तुराबे हालिक कहते हैं। बीच क्या है? तो बीच एकोनीटम हेट्रोफाइलम है, ये एक निबाती है और ये मादनी है, ये निबाती है और ये मादनी है समुलफार। अजराकी भी एक निबाती अदविया है जो कि जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रिकनस नक्सफॉमिका। हब्बुसलातीन भी एक, ये जमाल गोटा है हब्बुसलातीन, जिसका जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोटोन टिग्लियम। समय मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, समय मतलब जो होता है वो प्योर टॉक्सिक ड्रग होती है, ठीक है, जहर खालिस, ये है जहर खालिस, जो अद्वियाई समया है वो जहर खालिस नहीं है, ठीक है। तो समय मतलब जहर खालिस है जो नामालूम तौर पर इंसान को हलाक कर दे और उसका कोई जुज दवा के तौर पर इस्तेमाल ना हो। तो यानी समय मतलब को कभी भी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आपको लिखनी है पोटेशियम साइनाइड। यहाँ समय मतलब से जो सवाल पूछा गया था 2019 में AIPGT में, तो समय मतलब किस कैसे असर करती है ये पूछा गया था, ये भी जामियुल अदविया से ही पूछा गया है, 19 पॉइंट है ये जामियुल अदविया का, कि समय मतलब जो है वो सूरत नौया के तौर पर असरअंदाज होती है। जैसे मैंने बताया था कि दवा बिलकैफियत असरअंदाज होती है और गज़ा बिलमादा, और जो समय मतलब है वो सूरत नौया से असरअंदाज होती है। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्विज। तो आप लोग अभी ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर करूँगी। मैंने लिंक शेयर किया है, आई होप कि आप सभी को ये लिंक मिल रहा होगा और आप लोग ज्वाइन कर पा रहे होंगे। अभी तक हमारे पास फाजिल फरहानुल हकीम ने ज्वाइन किया है, इसके अलावा अरशद ने ज्वाइन किया है, पठान हैज़ लेफ्ट। तो आप लोग रुके रहिए, हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो 6 प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। मखज़नुल अदविया के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मखज़नुल अदविया के मुसन्निफ़ का नाम नजमुल गनी या मोहम्मद हुसैन शिराज़ी, हकीम आज़म खान या अलामा कबीरुद्दीन।
जी बिल्कुल सही, इसका जवाब जो है वो नजमुल गनी है, और आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ, मैंने मोहम्मद हुसैन शिराजी लिख दिया है, नजमुल गनी इसका जवाब है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ तो इसका जवाब जो है वो नजमुल गनी नहीं बल्कि मोहम्मद हुसैन शिराजी ही है, ठीक है। जबकि ये जो हमारा खज़ाइनुल अदविया है नजमुल गनी का, ठीक है, तो नजमुल गनी के जो मुसन्निफ़ हैं, नजमुल गनी खज़ाइनुल अदविया के, लेकिन मखज़नुल अदविया के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन शिराजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुईत-ए-आज़म के मुसन्निफ़, मुईत-ए-आज़म के मुसन्निफ़ बताइए, आज ही की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, मुईत-ए-आज़म के मुसन्निफ़। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 6 लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया, और सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया है पठान ने, उसके बाद अरशद ने, ठीक है। तो जो जितना जल्दी जवाब देता है उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दस्तूरुल अदविया मुरक्कबा, ये किस इसके मुसन्निफ़ का नाम बताना है। बताइए दाऊद अंताकी या दाऊद अबुल बयान या हकीम मोहम्मद हुसैन खान, हकीम बका खान, इसके जवाब इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, 4 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, माशाल्लाह। तो यानी दाऊद बिन अबुल बयान इसका जवाब है, दस्तूरुल बयान का के मुसन्निफ। वेरी गुड, तो पठान सबसे आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नुकरा इज़ द एग्जांपल ऑफ, ये IPGT का 2020 का क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा इसका, बताइए। मिजाज सानी मुस्तहकम, मिजाज सानी गैर मुस्तहकम रिखू मतलक, मिजाज सानी गैर मुस्तहकम रिखू जिद्दन, या मिजाज सानी गैर मुस्तहकम रिखू बाफिरात। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पर सही जवाब है मिजाज सानी मुस्तहकम, ठीक है, नुकरा इज द सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सबसे आगे है, तो सबसे आगे हैं यही पठान, देन उसके बाद डॉक्टर के, फिर उसके बाद फाजिल एंड फरहानुल हकीम एंड अरशद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच करेक्ट पेयर, तो यहाँ पर मैचिंग करनी है। कराबदीन कबीर को मैच करना है, कराबदीन बकाई, कराबदीन जकाई और कराबदीन शिफाई। देखते हैं कौन कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाता है। आप लोग मैचिंग इसका जवाब आप लोग अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेट्स सी कि किसका जवाब सही था।
ठीक है, तीन लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, यानी अब सबसे आगे हैं डॉक्टर के। क्वेश्चन नंबर 6, ज़ुल्ख़ास्सा का असल मकसद है। ज़ुल्ख़ास्सा का असल मकसद क्या है? ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करना, दवा की ज़रूरियात को पूरा करना, ऊपर के दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। वेरी गुड, ज़फ़र समानी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। शेख फौजिया, यू आर राइट। तो यहाँ जवाब आ चुका है, चार लोगों ने सही जवाब दिया, ऊपर के दोनों, और दो लोगों ने गलत जवाब दिया। शायद उन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की होगी। ठीक है, तो ये हमारा 6 प्लेयर का लीडर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बे अकबर के मुसन्निफ़ हैं। तिब्बे अकबर के मुसन्निफ़ कौन हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको मैंने याद करा दिया था। हकीम अजमल ख़ान, हकीम अकबर अज़ानी, या हकीम आज़म ख़ान, या हकीम मोहम्मद हुसैन ख़ान। वेरी गुड फौजिया, यू आर राइट। और कोई जवाब देना चाहता है? सभी लोगों ने, क्योंकि जिन लोगों ने आज कोई ज्वाइन किया है शायद उन्होंने क्लास कर ली थी, तो सबसे आगे हैं डॉक्टर के, और उसके बाद पठान, यानी इन सभी ने सही जवाब दिया था। मुरक्कबुल क़वा की मिसालें हैं। मुरक्कबुल क़वा की मिसालें बताइए, रेविन चीनी, दूध, वर्द, या ऊपर के सभी। वाओ, माशाल्लाह, सबने सभी जवाब बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द करेक्ट पेयर। मैचिंग द करेक्ट पेयर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। मिजाज सानी मुस्तहिक क्या है? फिर इसकी रिखू मतलब रिखू जिद्दन मैच कर लीजिए, आप लोग भी 1 का A इस तरह से मैच करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट कि आपको प्रैक्टिस हो इसको टाइप करने की या फिर मैचिंग करने की। टाइम कम था शायद, तो ये कोई जवाब नहीं दे पाया, सो सॉरी। समय मतलब की मिसाल क्या है? इसमें टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करने का क्वेश्चन है। समय मतलब की मिसाल को टाइप करके लिखना रहेगा, ठीक है? तो आप लोग भी टाइप कर सकते हैं समय मतलब की मिसाल, अगर आपको याद है, यानी प्योर टॉक्सिक ड्रग नहीं, टाइप करना रहेगा, इसमें ऑप्शंस नहीं है। वो तो कुछ लोगों ने सराकी लिखा है, कुछ लोगों ने अजराकी समुलफार लिखा है, कुछ लोगों ने पोटेशियम साइनाइड। तो एक ही शख्स है जिसने पोटेशियम साइनाइड लिखा है, इसका पिंक कलर है कोड, और बाकी किसी ने भी पोटेशियम साइनाइड नहीं लिखा। देखें, ये याद रखें कि समय मतलब जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, बाकी इन लोगों ने अजराकी समुलफार, ये सब जो आंसर्स हैं वो कौन से हैं? वो आंसर है अद्वियाय सम्मिया के। तो अद्वियाय सम्मिया और समय मतलब में फ़र्क समझिए। तो फरहानुल हकीम ने सही लिखा था। लास्ट क्वेश्चन, दवाए गज़ाई की मिसाल। मछली, अंडा, पुदीना, शहद।
दवाई गिज़ाई की मिसाल, जिसमें दवा ज़्यादा और गिज़ा का पार्ट कम हो। शेख फौजिया कह रही है शहद, लेकिन जामिया उलदविया के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो इसका जवाब है पुदीना। ठीक है, दवाई गिज़ाई की मिसाल पुदीना है, बाकी मछली, अंडा, शहद ये सब गिज़ाई दवाई हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है और ये कंफ्यूज करते हैं ऑप्शंस। तो देखते हैं आज के विनर कौन है। तो आज के विनर हैं डॉक्टर के, उसके बाद सेकंड रनर अप हैं पठान, उसके बाद फाजिल, देन अरशद। वेल डन। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। ओके, लेट्स इसको हम एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।